कैसे आप सब लोग, आप लोगों का स्वागत है सुपर इंडिया शो में। आज हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार। हम लोग अभी खड़े हैं नोएडा सिटी सेंटर के मेट्रो स्टेशन पर। मम्मा हमारे साथ आए नहीं, उन्हें तो दिवाली के ही काम में लगे रहना होता है। चलो हम लोग अब आपको मिलते हैं। लोग अंदर आ गए हैं दोस्तों, मेट्रो के मेट्रो चल पड़ी है और अब हम लोग आपको मिलते हैं जब मेट्रो स्टॉप करेगी तब। दोस्तों यहाँ से हम लोग सीधे कुतुब मीनार की मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे और डायरेक्ट फिर आपको वहीं पर मिलते हैं। तब तक हम लेते हैं सफर का मजा। तो अभी हम लोग उतर चुके हैं और हम लोग अभी हैं बोटैनिकल गार्डन में। अभी हम लोग दूसरी मेट्रो का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हम लोग आपको दूसरी मेट्रो में चढ़ेंगे। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट स्टेशन पे, इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे कुतुब मीनार। तो अब हम लोग कर रहे हैं अपनी मेट्रो का वेट। चलिए मिलते हैं आपसे मेट्रो आते समय। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार पर। अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से कुतुब मीनार देखने। वो हमारी मेट्रो थी उधर, हम लोग उधर हैं। हाय, चलिए आपको मिलते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं, अभी हम लोग अभी टिकट लेने के लिए आए हैं फ्रेंड्स। चलिए ये देखिए हम लोग अंदर आ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं हम लोग अब टिकट ले रहे हैं। ओके चलिए आपको टिकट लेने के बाद। गाइस तो हम लोग अब खाना खा रहे हैं, पनीर चावल। यहाँ पर कैंटीन बनी हुई है और यहाँ पर पनीर चावल है, कुत्ते हैं। खाना बहुत बढ़िया, मुझे तो अच्छे लगे। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, दिखाता हूँ। देखिएगा कढ़ी चावल है, राजमा चावल है और दाल चावल है, पनीर फ्राइड राइस ढका हुआ है, मुझे पनीर और छोले। ये हम लोग पनीर खा रहे हैं। गेट और ऊपर लो। पापा मुझे गाइड कर रहे हैं कि और ऊपर लो, इधर लो, उधर लो, वो मैं नहीं जानता गाइस। बंद कर दिए। हाँ हम लोगों को परमिशन नहीं मिली थी वीडियो के लिए, तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। मुगल बगीचा, मुगल गार्डन, मॉस्क्यू, मुगल सराय। देखिए हम लोग अंदर चल रहे हैं। ये देखिएगा, देखिए आपको इसके साइड में हम लोग अंदर आ गए। ये देखिए माइनर मेजर, अंदर चल रहे हैं गाइस। देखिए बहुत सुंदर है और सामने है मेन चीज, देखिएगा
देखिए बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम। हम लोग सामने चलते जा रहे हैं। ये टोटली इतनी बड़ी है, दरवाजे पर 1311 में कुछ बोल रहे हैं। ये देखिएगा ऊपर से सारी सारी। ओह माय गॉश, आपको पता है गाइस ये मेरा पहले टाइम है घर आना। ऊपर भाई कैसे बनाते हैं, मुझे तो लगता है भूख लगी है, इतनी जल्दी शुरू होनी चाहिए थी। नक्काशी देखिए कितना अच्छे से इन्होंने करा, कितनी बारीकी से करा। दोस्तों हमने सुना है कि यहाँ पर कुतुब मीनार पे आसपास लोहे का एक खंभा भी है और सब उसके अंदर से चलते हैं ना, अभी आ जाओ ना। अच्छा अच्छा, हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पर आसपास कुतुब मीनार के पास में एक लोहे का खंभा भी है, तो हम लोग उस खंभे को देखने जा रहे हैं और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर उस खंभे को सुनते हैं, अब तो शायद बंद भी कर दिया गया हो, उस खंभे को पीठ की तरफ खड़े होकर पीठ से लगाकर और पीछे दोनों हाथ करके अगर हमारे दोनों हाथ मिल गए तो कहते हैं कि विश पूरी होती है। तो हम उस खंभे को देखने जा रहे हैं, पिलर को, आयरन पिलर को। ऊपर चढ़ते हुए बड़ी गर्मी, सूरज का तापमान भी नहीं जानते हो, दिख रहे हैं? ये देखो गाइस, अभी सूरज आपको दिखाता हूँ मैं। टेलीस्कोप तो नहीं लाए हैं लेकिन हाँ है। क्या समाधि किसकी है वो देखेंगे। देखिएगा, देखिए हम लोग वापस इधर चढ़ते हुए, लोहे का खंभा वो रहा, अब पापा के साथ हो गया मोए मोए क्योंकि लोहे का खंभा बंद पड़ा है। आप तो कह रहे थे कि खुला होता है ये, पहले खुला होता था तब तो बंद हो गया, मोए मोए कर दिया। देखिए अच्छा खंभा है, इतना लंबा ही देखिएगा। गेट है, सबसे बड़ा गेट लगा मुझे तो ना, ओ उससे भी बड़ा ये आला है। इधर है पापा,
ये सबसे बड़ा है। पर देखो ये देखिए, यहीं पर ये जो पिलर बना हुआ है इसमें ऊपर हिंदू देवी देवता बने हुए हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं हर पिलर पर घंटी बनी हुई है। ये घंटियां दिख रही हैं, घंटी ये मोमडन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ सिद्ध भी हो रही है, ये हिंदुओं का ही पहले था जिसको बाद में चेंज कर दिया गया और ये टूट भी चुका है, लेकिन इसकी सरकार पुष्टि करेगी अपने आप। इनको तोड़ा गया है, ये जो मूर्तियां हैं इनको तोड़ के आप देखिए सब हिंदू संस्कृति के ये देवी देवता बने हुए थे इनको ध्वस्त किया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक पिलर दिखा रहा हूँ। ये घंटियाँ बनी हुई हैं, घंटी किस मस्जिद में होती हैं ये देखिए। ये मूर्तियों को गोल कर दिया गया है, उनका चेहरा मिटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये पूरी मूर्ति बनी हुई थी, इसे भी सपाट किया गया है। वो एंगल है जहाँ से लोग ज़्यादातर अपनी फोटोग्राफ्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरी कुतुब मीनार दोनों तरफ टूटे हुए गेट दिखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। कैसा लग रहा है सक्षम? बस गर्मी हो गया, लेकिन मजा तो आ रहा है। हिस्टोरिकल चीजें आपको पता है, मैंने ना इसको एक हाथ से पकड़ लिया। दिखाऊंगा मैं आपको फोटो, बोला था सूरज की भी फोटो ली है मैंने। आज हम सक्षम पूरी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर गर्मी के साथ, लेकिन हम सक्षम ने सोचा है कि हम चीजें भी बहुत सारी ढूंढी है हिंदुओं की, या तो ये तोड़ी गई है जानबूझ के। आइए अब एक नई जगह चलते हैं। मुझे तो पहली बार आया हूँ इसमें, आज मैंने चीजें ढूंढी। यहाँ पे हिंदुओं के इसको चढ़ेंगे कैसे, अगर किसी को ऊपर जाना हो
ऐसा लगता है जैसे ये कोई दूसरा कुतुब मीनार बनने वाला था जिसको बीच में रोक दिया गया। सही कह रहे हो। अभी देखते हैं इसके बारे में भी लिखा हुआ है, तो हम लोग चल रहे हैं उस तरफ। ये देखो गाइस, फ्रेंड्स ये देखो, नॉर्मली चेन लगी होती है, ये देखो कितनी भारी है कि ये लगा गई है जिससे कि कोई बिल्कुल अंदर ना मैंने सही कहा था दोस्तों, ये भी एक कोई मीनार बनाई जा रही थी जिसको बाद में तोड़ दिया गया। इसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं। हम लोग लौट रहे हैं वापस। एक्चुअली में क्या हुआ, जो ये जो थी ये डबल साइज की थी कुतुब मीनार के, डबल साइज की थी ये जो है कुतुब मीनार के डबल साइज की थी, लेकिन जो इसे बनवा रहे थे वो मर गए थे, इसलिए यहाँ पे ही कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया गया। अच्छा, मुझे अभी पापा ने बताया कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टर भी लगा है, मैंने तो देखा भी नहीं। ये देखिए, ये दिखा आपको कुतुब मीनार पे प्रोजेक्शन के लिए, ये देखिए। हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार की मटरू में, उसके बाद हम लोग जाएंगे औस्का, तो उधर से मटरेंगे हम बोटानिकल के लिए और उधर से नोएडा सिटी सेंटर के लिए, ठीक है। और फिर हम लोग घर पहुंच जाएंगे, मम्मा के अभी रिएक्शन दिखाएंगे। गाइस हम लोग हैं अब लास्ट मेट्रो पे, उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी और उसके बाद हम लोग मिलते हैं। बाय।